टीकाकरण पूर्वरु टीका वितरणर ड्राइ रन पंजाब आसाम आंध्रप्रदेश गुजरात रे हेबो ड्राइ रन डिसेंबर 28 29 दुई दिन धरी चालिबो अभ्यास देशरे कोरोना टीका को मंजूरी मिलिबा परे व्यापक परिमाण रे उत्पादन एवं लोकंक पाकरे पहुंचिबा पई सरकारी स्तर रे बड़ धरणर योजना प्रस्तुत करा जाउछि तबे एहा पूर्वरु टीका उत्पादन परे देशर विभिन्न राज्य ओ जिल्ला रे किपरि पहुंचिबो ताहर ड्राइ रन करा जिवो तबे बिना कोनोसे वैक्सीन रे एही अभ्यास प्रक्रिया हेबो एहा द्वारा केते सहज एवं सरल रे वैक्सीन पहुंचि परिबो तार अनुध्यान करा जिवो एहा सह कोविन ऐप जरिया रे रियल टाइम मॉनिटरिंग करा जिवो सो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो ड्राई रन है इसमें अभी एक्चुअल वैक्सीन नहीं आई है पर इसमें हमारी जो टीम्स हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज वैसे ही करेंगी वैसे ही बंदा जाएगा नाम चेक होगा कंप्यूटर में एंट्री होगी और उसके बाद आधा घंटा वेट करेगा जाएगा और ये ड्राई रन का मेन मकसद आपका जो अगला सवाल आने वाला है कि इसका मकसद क्या है उसका मकसद यही है कि जब ये वैक्सीन आनी है तो क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई होगी धीरे धीरे बढ़ेगी चरणों में होगी इससे संभावना ये बन जाती है कि जिन जिलों में ये ड्राई रन हुआ है तो पहले चरण में यहाँ पे आने की संभावना रहेगी क्योंकि हमने पूरी अपनी कोल्ड चेन को मेंटेन कर लिया है 67 लोकेशंस पे और 805 हमारी सर्विस लोकेशंस हैं जिन पे कि एक्चुअल टीका लगना है तो एक तरह से उसके लिए पहले से ही एक हमारी एक्सरसाइज है और बड़ी जल्द क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरी कर ली है जल्द ही जब असल दवाई आएगी तो असल जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी नियर फ्यूचर स्टार्ट होने की संभावना है। हाँ बिल्कुल जो गाइडलाइंस हैं इसमें पूरा भारत एक है और उसमें जो भारत सरकार का सेहत मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय उसकी जो भी गाइडलाइंस आती हैं पंजाब सरकार पहले भी उनको फॉलो करती रही है और अभी भी जो पूरी की पूरी जो गाइडलाइंस है उससे पूरी बोथ द गवर्नमेंट्स आर ऑन द सेम प्लेन और वो ऑन द सेम पेज और जो वहां से गाइडलाइंस आ रही हैं उनके तहत ये सब कुछ हो रहा है नॉट ओनली दैट बल्कि इसमें WHO और UNDP और जो और NGOs हैं उनकी सहायता भी ली जाएगी क्योंकि उनको वर्ल्ड ओवर अपना एक्सपीरियंस एही मॉकड्रिल रे टीका व्यतीत अन्य सब व्यवस्था को परखा जिवो संग्रहित तथ्य को कोविन ऐप रे उपलब्ध करा जिवो वैक्सीन स्थानांतर बेले व्यवहार हेपाकु थिबा कोल्ड स्टोरेज रो परीक्षा करा जिवो एहा परे कोल्ड स्टोरेज रो टीकाकरण केंद्र सेठारे पुणी गहळी नियंत्रण आदि को निरीक्षण करा जिवो एथिरे सेही समस्त स्थानगुडिक जेउठारे टीकाकरण करा जिवो जेपरी जिला हॉस्पिटल गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घरोई स्वास्थ्य केंद्र आदि को शामिल करा जिवो एही मॉकड्रिल जरिया रे भविष्यत रे हेपाकु थिबा असुविधा को चिन्हट करा जाय टीका वितरण योजना को संपूर्ण योजनाबद्ध करा जाय परिबो ब्यूरो रिपोर्ट ऑर्गस न्यूज़।